सो गाइस, आज का जो हमारे यहाँ पे एडिटिंग वर्क होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है रिवील टेक्स्ट। तो आपने देखा होगा कि अभी इंस्टाग्राम पर रिवील टेक्स्ट के वीडियोस कुछ ज्यादा यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से कुछ बंदा आता है, देन उसके पीछे से आपको टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल निकलते हुए दिखते हैं, रनिंग में चलते हुए, जैसा आपको स्क्रीन पर वीडियो में नजर आ रहा है। तो गाइस, अगर कुछ भी आप ऐसा ट्राई करना चाहते हो कि आप भी अपने कुछ इस तरीके का वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, वो भी काफी आसानी से अपने फोन के अंदर, तो गाइस आज का ट्यूटोरियल आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके के वीडियोस क्रिएट कर सकते हो अपने फोन के अंदर। तो गाइस, जस्ट आपको VN एप्लीकेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो आपको जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने गूगल प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। देन गाइस, आपको एक रनिंग वाला शूट कर लेना है। अब शूट आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका थोड़ा सा, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको एक बैग ले लेना है, जैसे मैंने बैग ले रखा है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। देन आपको कुछ इस तरीके से दूर चले जाना है और कुछ इस तरीके से आपको रनिंग का करना है, यानी जो आपके बैग के पीछे जो टेक्स्ट है गाइस, वहीं से आपको अपने टेक्स्ट को रिवील करना है, जो काफी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, वीडियो आपको पूरा यहाँ पे वॉच करना है, एंड जो एडिटिंग वर्क है हमारे यहाँ पे पूरा VN एप्लीकेशन के अंदर, और सारा आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जब भी आप इस तरीके की एडिटिंग ट्रिक आप यहाँ पे सीख पाओगे, देन अपने वीडियोज भी आप वायरल कर पाओगे। तो जरूर आपको अगर ये ट्रिक यहाँ पे अच्छी लगेगी तो गाइस वीडियो को यहाँ पे जरूर लाइक कर देना है, और चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को भी यहाँ पे जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे मैं सिखा सकूँ एडिटिंग का। जस्ट गाइज, आपको यहाँ पे ओपन करना है अपनी VN एप्लीकेशन को, और आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इसको ओपन करना है, और यहाँ से गाइज आपको अपनी एक वीडियो क्लिप को ऐड करना है जिसको आपने यहाँ पे शूट किया हो। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो शूट किया है। तो चाहो तो आप अगर अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा सा उसमें स्लोमो डाल देना, ताकि काफ़ी अच्छा आपके यहाँ पे स्पीड कम कर देना, जो काफ़ी अच्छा आपका स्लो में भी जाएगा और आपको टेक्स्ट रिवील करने के लिए एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। जस्ट आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है, और यहाँ पे गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड ए हेडिंग वाले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से गाइज आपको जो टेक्स्ट डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सब्सक्राइब लिखूंगा, और सब्सक्राइब लिख के कलर्स पे आके यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, यहाँ पे जाके मैं रेड कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। आपको जो कलर यहाँ पे बेस्ट लगे आप कर सकते हो। मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा व्हाइट आ रहा है, इसलिए तो मैं व्हाइट कलर यहाँ पे सेलेक्ट करता। देन यहाँ पे इसको चाहो तो आप इसमें कलर पे अगर बॉर्डरिंग करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन वैसे नॉन पे क्लिक करके इसको सिंपली टेक्स्ट रहने दूंगा, जो काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ पे दिखने में लगेगा। देन यहाँ पे हम इसको कर देते हैं राइट डन। ये राइट डन करेंगे, अब टेक्स्ट को लेके हम टेक्स्ट की पोजीशन को उस जगह ले आएंगे जहाँ से हमें टेक्स्ट को रिवील करना है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से अपने बैग यूज़ किया तो बैग के आपको लास्ट पोजीशन पे लेके आना है, और कुछ इस तरीके से रख देना। अब अपने वीडियो फ्रेम के अंदर जाना है, वीडियो की जो क्लिप है उसमें, देन आपका टेक्स्ट कहाँ से रिवील होगा वहाँ पे जाके गाइस आपको जो टेक्स्ट की लेयर है वहाँ से आपको स्प्लिट कर देना है, यानी जो आगे वाला पार्ट है स्प्लिट पे जाके स्प्लिट करके, और आगे वाले पार्ट को भी आप डिलीट कर देंगे, और पीछे की टेक्स्ट लेयर पूरी वीडियो के अकॉर्डिंग रख देंगे। अब गाइस जितना आ चुका है टेक्स्ट के स्टार्ट में आएंगे, और यहाँ पे मास्किंग पे क्लिक करेंगे, मास्किंग पे आएंगे, लाइनर को सेलेक्ट करेंगे, और कुछ इस तरीके से हमारी ऑप्शन आ जाएगा जो सर्किल ऊपर घूम रहा है। देन इस लाइन को हम रोटेट करके बिल्कुल अपने बैग के कॉर्नर पे लेकर आएंगे, बैग के कॉर्नर पे लाएंगे, और यहाँ से आपको बस कुछ नहीं करना, लाना है बैग के कॉर्नर पे, बिल्कुल अच्छे से आपको इसको सेट कर देना है हल्का सा, और आपके एक एरो को ऑप्शन नजर आ रहा होगा बिल्कुल राइट साइड के अंदर। तो गाइस, सो गाइस आपको ये एरो को हल्का सा आपको बिल्कुल खींच देना है, ताकि आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख जाए। देन आपको की फ्रेम लगा देना है, जैसे जैसे गाइज आप इस लाइनिंग आपको ये लाइनर वाला इसको आप जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे तो इसको आपको हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है थोड़ी सी, कुछ आपके हल्का सा आपको ब्लर इफेक्ट यानी देखने को मिले। देन जैसे जैसे आप इसको फ्रेम को आगे बढ़ा जाओगे, आपको 2 या 3 फ्रेम आगे लेना अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से। देन आपको इस लाइनिंग को, आपको जो मास्किंग की लाइन है हमारी, इसको आगे आगे आपको जस्ट यहाँ बढ़ाते रहना है। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको सिंपली आगे इनको, इस लाइन को आगे बढ़ाते रहना है, ऑटोमेटिक आपके यहाँ की फ्रेम लगते रहेंगे। बस आपको जस्ट जैसे जैसे आपको स्पेस मिले बिल्कुल बैक की लाइन के आसपास इसको लाइन को आपको रखना है, और काफ़ी आसानी से गाइज अपना ये वीडियो कुछ इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे एडिट हो जाएगा। तो आपको लास्ट तक जाना है यहाँ पे। देन आप चाहते हो तो इस लाइन को आप रोटेट भी कर सकते हो जिस अकॉर्डिंग, जस्ट आपको अगर आपके पास बैग है तो बैग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपका बॉडी का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन जस्ट गाइज देख सकते हो हमारे यहाँ पे पूरे मास्किंग वाले जो भी था पूरा कंप्लीट हो चुका है, की फ्रेम हमारे लग चुके हैं। अब एक बार मैं वीडियो आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा हमारे यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइज देख सकते हो वीडियो में बिल्कुल रियलिस्टिक यानी टेक्स्ट पीछे से आ रहे हैं, बिल्कुल रिवील टेक्स्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे गाइज आप इसको बना सकते हो, ऊपर की तरफ आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, तो वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है और सेव कर लेना है हाई क्वालिटी के अंदर। अगर गाइज ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।